फार्मिंग करते हो, पिक फार्मिंग करते हो या फिर गोट फार्मिंग करते हो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, जानेंगे ये क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। विकास जी, मैं गौरव हूँ जी, और मैं फ्लाइट ट्रैप के लिए काम करता हूँ जी। देखिए, फ्लाइट ट्रैप एक US बेस्ड कंपनी है जी, जी। जो कि काफ़ी सालों से अमेरिका में ऑर्गेनिक फ्लाइट ट्रैप्स बेच रही है जी। मिस्टर लॉन्ग थे हमारे, जो इसके इन्वेंटर थे, एंटोमोलॉजिस्ट, उन्होंने काफ़ी साल, मतलब अब तो उनकी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो जब 2009 में थे, 80 साल के थे, तो उन्होंने उस टाइम पूरा एक्सपीरियंस लगा करके इस प्रोडक्ट का ईजाद किया था जी। सर ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें जो पाउडर है ये ऑर्गेनिक है जी, फूड बेस्ड है, पानी में डिसॉल्व होने वाला, इसमें पॉलीथीन यूज़ किया गया है। इसको खोलिए, एक ग्लास पानी डालिए और इसको सिंपल लटका दीजिए। अच्छा। एक महीने तक आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, मक्खियाँ अपने आप इसके अंदर आएंगी और मरेंगी। अच्छा अच्छा। तो इतना सिंपल प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, अपने एक्सपीरियंस को लगा, पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस। अच्छा सर, बात करें इसकी प्राइस की, किसानों की हालत किसी से छुपी ही नहीं है। हाँ जी। ये कोई महंगा तो नहीं है, इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका प्राइस सर, देखिए ये किसानों को मदद करने के लिए बना है। किसानों की इन दिनों सर कॉस्ट, आप मान के प्रोडक्शन 20-25% कम हो जाती दूध की। अगर इसको लगाएंगे उनकी दूध की पैदावार बढ़ेगी। अच्छा। ठीक है सर, पशु खुश रहेगा, पशु की बीमारी कम होगी और उसकी बीमारी पे होने वाला खर्च भी कम होगा। अच्छा। तो एक तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, पशु की सेहत सुधार रहे हैं और पशु की सेहत पे होने वाला खर्चा हम कम कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हम सब, और सर साथ साथ आसपास के जो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि डेयरी हटाओ, यहाँ मक्खियाँ आती हैं, वो हम कम करेंगे, कि मक्खियाँ कंट्रोल हो जाएंगी, उनकी भी डिजीज़ कम होंगे, वो भी शिकायत कम करेंगे। अच्छा। तो हर तरीके से किसान को फ़ायदा ही होगा। अच्छा अच्छा। अब सर बात करें इसके एरिए की, अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक किसान के पास 10 गायें हैं, घर की हैं, डेयरी फार्मिंग है, वो कोई मैटर नहीं करता, तो इसके एरिया के मतलब कितने लगाने पड़ेंगे इसके बारे में? मैं मान के चलता हूँ सर, अगर आपके पास 20 भैंसों का या 20 गाय का एक फार्म है तो आपको 4 फ्लैट रैप महीने के चाहिए। आप 5 गाय भैंस के ऊपर एक लगा दीजिए बस। अच्छा। सिंपल। तो 4 का मैं मान के चलता हूँ सर, खर्चा आपको मुश्किल से 700-800 रुपये आएगा। अच्छा। और आप उसको महीने का खर्च मान के चलिए, आप सर इतने का तो केमिकली स्प्रे कर देते होंगे, फिनाइली स्प्रे कर देते होंगे, तो उससे कम खर्चे में, और उससे सर कुछ होता भी नहीं है, बीमारी पर सर इसमें ये क्या होता है, मक्खियाँ कहीं भी मरती हैं। आप मैंने स्प्रे कर दिया, मक्खी खाने में भी गिरेगी पशुओं के, हैं पशुओं की जमीन में भी गिरेगी जो बाद में वो चाटती है, और वो कहीं भी मर के वहीं डिकम्पोज होगी, वहीं बीमारी फैलेगी। अच्छा। ये सिर्फ इसी के अंदर मरेगी, और ये ऐसा है कि इसको बाद में क्लोज करके आप फेंक दीजिए। लीक प्रूफ है ये, इसको आप फेंक दीजिए, कहीं कोई किसी के टच नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब सर बात करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो फार्मर है पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, अगर कोई किसान भाई घर बैठे मंगाना चाहता है तो उससे कैसे होगा, खरीदने का तरीका? मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, एक हमारे अमेजोन का लिंक होता है जी जी, आप अपने वीडियो के नीचे डालिए। अच्छा। ठीक है, वो वहाँ से परचेज करें सीधे, अमेजोन सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है घर से घर। अच्छा अच्छा। भारत में हर जगह से उसको इसके अंदर परचेज कर सकते हैं, वहाँ से खरीदिए, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका किसान भाई के लिए, कहीं कुछ नहीं जाना, वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उस पर लिंक क्लिक करिए और वहाँ से परचेज करिए। गौरव जी, ये तरीका तो हुआ जो हमारे पढ़े लिखे किसान हैं, अब ऐसा तो नहीं है सब किसान पढ़े हुए होते हैं, अगर कोई ऐसा तरीका आपको फ़ोन करें आप भिजवा दें उसके बारे में थोड़ा सर? देखिए मैं उस चीज़ को एंकरेज नहीं करता फ़ोन करके भिजवाने के लिए जी जी। पर हमारे डीलर्स बने हैं काफ़ी स्टेट्स में, हमारी वेबसाइट पर उनके बारे में भी डिटेल्स दी गई हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है वहाँ पे, मुझे फ़ोन करिए। पर वो सर एक्चुअली सबका फ़ोन हैंडल करना आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा अमेज़ॉन पे आप ट्राई करिए, किसी आपका आपके कोई बच्चा भी होगा ना 8-10 साल का, वो भी अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवा। आज यहाँ पे 15-20 न्यूज चैनल वाले आए हैं, यूट्यूबर आए हैं, इनका क्या मकसद था इवेंट करने का, मतलब क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर इवेंट करने का तो मकसद ये था कि नंगली डेयरी के किसान भाइयों को हम अवगत कराएं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। पर मीडिया का सर काम होता है एक जो भी मैसेज है वो दूर दूर तक पहुँचाए, जो जब जानकारी होगी तभी तो वो चीज़ बिकेगी, अब पता ही नहीं है। आप हमारा मैसेज अगर और हर गांव-गांव तक पहुंचा दें और उनको ये हो जाए कि मक्खियों से क्या दिक्कत होती है और मक्खियों से कैसे निजात पाया जा सकता है, तो सर ये बहुत बड़ी मदद होगी आप लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि सर जैसे आप लोग आए हैं अपना टाइम निकाल के, इतनी दूर दूर से, आप तो पता नहीं मुजफ्फरनगर से आए हैं, ये मुरादाबाद से आए हैं, तो सर मैं इतनी दूर दूर से आप आए हैं अपना टाइम निकाल के, और मुझे बताया आप किसानों की मदद करते हैं आपके चैनल के थ्रू, तो सर प्लीज़ ये मैसेज पहुँचाएं उनको। गौरव जी सर, ये मक्खी देखने में छोटी लगती है पर ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, मक्खियों से ही तो सारी बीमारी है सर। नो फ्लाइज नो डिजीज़, तो फ्लाइज हैं तो डिजीज़ हैं सर। धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका विकास जी, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ये आपको मात्र 250 रुपये का एक मिल जाएगा, अलग अलग अगर आप खरीदना चाहते हैं आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक